Hello children, I am Chandra Rawat, your sports teacher. Today we are talking about fruits. कि हमें समर सीजन में कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए। वैसे तो हमें फ्रूट्स हमेशा ही खाने चाहिए, पर कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो हमें समर सीजन में जरूर खाने चाहिए। तो हमें समर सीजन में ऐसे फ्रूट्स खाने चाहिए जो हमारी बॉडी को पड़ने वाली गर्मी से रिलीफ पहुंचाए। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें समर सीजन में जो फ्रूट्स हम खा रहे हैं उनके क्या फायदे होंगे और ज्यादा खाने से क्या नुकसान होते हैं। कोशिश करिए जो मैं आपको फ्रूट्स बताऊंगी आप उनको अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं वाटरमेलन की, यानी कि तरबूज। तरबूज में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन B6 पाया जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम और आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है। तरबूज में लाइकोपीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी स्किन को ग्लो करने में बहुत फायदा करता है। इसके साथ ही तरबूज हमारे वेट लॉस के संग संग हमारे हार्ट प्रॉब्लम को भी हेल्प करता है। तरबूज में विटामिन B6 होता है, जो हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ ही वाटरमेलन में 92% पानी होता है, जो बॉडी में गर्मी में होने वाली पानी की कमी को दूर करता है। यह हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है और हमारी बॉडी में सनरेसेस से होने वाले डैमेज को भी दूर करता है। अब मैं आपको तरबूज ज्यादा खाने के नुकसान बताती हूँ। तरबूज ज्यादा खाने से हमें वॉमिटिंग, स्वेलिंग, लूज मोशन, गैस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमें तरबूज ज्यादा नहीं खाना चाहिए। नंबर 2, क्यूकुम्बर यानी कि खीरा। यह हाई कैलोरी और लो फैट से भरपूर होता है। यह हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। इसमें 96% पानी होता है, जो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। खीरे में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B6 और विटामिन B1 बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह हमारे आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसको कर्क कर आंखों में लगाने से हमारे आंखों को ठंडक मिलती है और हमारे मसूड़ों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। खीरे हमारे हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है और यह हमारे ज्वाइंट पेन में भी बहुत रिलीफ करता है। खीरा खाने से बैक ब्रेक में भी रिलीफ मिलता है और यह हमें गर्मियों में होने वाली गर्मी से राहत दिलाता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा खीरा खाने से हमें नुकसान भी हो सकता है। इससे हमारे लिवर, स्टमक में सूजन हो सकती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को ठंडक प्रदान करता है। तो जिसको खांसी, बुखार या कब्ज जैसी प्रॉब्लम हो उसको खीरा नहीं खाना चाहिए। नंबर 3, नींबू यानी कि लेमन। विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स माना गया है। नींबू पानी हमारी बॉडी के टॉक्सिन निकालने के संग संग हमारी बॉडी के फैट को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। नींबू पानी हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। क्या आपको पता है इसके क्या नुकसान होते हैं? हाँ जी बिल्कुल, नींबू पानी जितना हमारी बॉडी को फायदा करता है उतना ही नुकसान भी करता है। नींबू का ज्यादा यूज करने से हमारे दांतों की बाहरी सतह यानी कि टीथ एनमल को भी हानि पहुंचाता है। इसलिए हमें नींबू को पानी के संग या फिर खाने में यूज करना चाहिए। नींबू का ज्यादा यूज करने से हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। नींबू और इसका ज्यादा यूज करने से कभी कभी अस्थमा या और माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। नंबर 4, मस्कमेलन यानी कि खरबूजा। मस्कमेलन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैलोरी, विटामिन ए, विटामिन बी, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन हमारे आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मस्कमेलन हमारे ब्लड को पतला करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ये जो हमारे हार्ट डिसीज जैसी प्रॉब्लम में भी हेल्प करता है। ये फ्रूट समर में बॉडी में पानी की कमी को पूरा करता है और ये हमारे स्किन को भी ग्लो करता है। इसके साथ साथ यह हमारी किडनी को भी हेल्दी रखता है। ये हमारे नेल और हेयर में भी बहुत हेल्पफुल होता है। ये हमारी थकान को मिटाता है और हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। हमें खरबूजा खाने के लिए तुरंत बार पानी नहीं पीना चाहिए, इससे कॉलेरा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद आप खरबूजा खा सकते हैं। खाली पेट खरबूजा नहीं खाना चाहिए
और एक बार में ज्यादा खरबूजा नहीं खाना चाहिए, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 5, यह एक ऐसा फ्रूट है जो बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद होता है, इसको फलों का राजा भी कहते हैं। बिल्कुल सही, मैंगो यानी कि आम। मैंगो में मिनरल, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। मैंगो में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, मैग्नीशियम और ग्लूटामिन पाया जाता है। ग्लूटामिन हमारे याददाश्त को बढ़ाने में भी मदद करता है। मैंगो खाने से किडनी से जुड़ी बीमारियां भी ठीक होती हैं। जो बहुत पतले हैं, वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंगो हमारे वेट गेन करने में भी मदद करता है। मैंगो खाने से सर्वाइकल कैंसर का खतरा भी इससे कम होता है। और मैंगो में आयरन अधिक मात्रा पाया जाता है, जो हमारे एनीमिया के पेशेंट और प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी हेल्पफुल होता है। वैसे तो आम ज्यादा नुकसान नहीं करता है, पर जरूरत से ज्यादा खाने में यह हमें नुकसान देता है। शुगर पेशेंट को मैंगो नहीं खाना चाहिए। ज्यादा मैंगो खाने से यह हमारे ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। आम ज्यादा खाने से लूज मोशन भी हो सकते हैं, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी बढ़ा देता है। इसकी वजह से कभी कभी एलर्जी भी हो सकती है। ये बात है उन फ्रूट्स की जो समर सीजन में खाए जाते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे फ्रूट्स होते हैं जो हम समर सीजन में खा सकते हैं। अगर हम फ्रूट्स सही क्वांटिटी में, सही मात्रा में खाएं, तो हमें इसके फायदे ज्यादा और नुकसान कम होते हैं। कोशिश हमें ये करनी चाहिए, हमेशा सीजनल फ्रूट्स ही खाएं। तो फ्रूट्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। आज के लिए बस इतना ही। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, स्टे होम। ओके, बाय बाय।